गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग फिर एक्सरसाइज 8.1 के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, दी गई आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। दी गई यह एक समकोण त्रिभुज है PQR। अब एंगल Q के सामने का की जो भुजा है वह है PR और यह क्या रहेगी आपकी कर्ण हाइपोटेनस। अब हम लोग जानते हैं किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए अगर हमें कर्ण मालूम है, बाकी दो भुजा में एक भुजा मालूम है, तो तीसरी भुजा हम लोग निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। जैसे b का मान निकालना है तो b इक्वल टू होगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। वैसे यहाँ QR निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग QR का मान ज्ञात कर लेते हैं। QR इज इक्वल टू अंडर रूट PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग हम लोग कर रहे हैं यहां पर। PR स्क्वायर 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर अंडर रूट 13 स्क्वायर। 13 इंटू 13 तीन दिया 9, तीन एकम 3, एक दिया 3, एक एकम 1, 9, 3 और 3 6, 1, 169 माइनस 12 स्क्वायर। 12 स्क्वायर का मतलब 12 दुनी 24 नहीं करेंगे, 12 गुना 12 करेंगे। 2 दुनी 4, 2 एकम 2, 1 दुनी 2, 1 एकम 1, 4, 2 और 2 4, 1, 144। अब 169 में 144 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, घटाएंगे, 5 4 9, 4 2 6, हमारा मान आ रहा है 25। अब हम लोग जानते हैं कि 25 5 का स्क्वायर, 5 गुना 5 25 होता है, इसलिए 25 का रूट होगा 5, या यूनिट दिया है तो सेंटीमीटर हम लोग लिख देते हैं, तो यहां हमारा मान आ गया 5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम लोग tan p माइनस cot r, इसका मान निकालने के लिए पहले हम लोग tan p का मान निकालेंगे। tan p, tan थीटा का मान क्या होता है, किसी भी त्रिभुज में tan थीटा का मान क्या होगा, अगर हमारा थीटा यह है, ध्यान देंगे थीटा अगर यह है तो थीटा के सामने की जो भुजा होगी उसको हम लोग p मानेंगे, 90 के सामने h, और थीटा और 90 के बीच वाले को हम लोग क्या बोलेंगे बेस। अब tan थीटा होता है हमारा p बाई बी। अब यहां पर tan p देखिए, आपका थीटा यहां है, बिल्कुल इस फिगर की तरह देखेंगे आप, ठीक है, इसमें और इसमें मैंने बना दिया है। अभी हमारे यहां पे बेस ये हो जा रहा है, क्यों, क्योंकि ये p हमारा एंगल थीटा है, थीटा और 90 के बीच क्या हो रहा है बेस, और थीटा के जस्ट सामने क्या है आपका ये QR, यही होगा आपका p। तो tan थीटा होगा p बाई बी, इसलिए हम लोग लिखेंगे QR बाय PQ, QR बाय PQ। QR का मान है 5 और PQ का 12, 5 बाय 12। यहां यूनिट नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, रेशियो लेना है। इसके बाद निकालना है हमें cot r का मान। अब जो cot r का मान निकालना है, देखिए r यहां पर थीटा हमारा ये है r के लिए, अब cot थीटा होता है हमारा, cot थीटा का मान होता है b बाय p। अब थीटा और 90 के बीच ये हमारा b हो गया, और थीटा के जस्ट सामने जो है वो है p, तो qr बाय pq। तो cot r का मान लिखेंगे qr बाय pq, क्यू आर है 5, पी क्यू 12, 5 बटे 12। अब निकालना मान tan p माइनस cot r, 5 बाय 12 माइनस 5 बाय 12 इज इक्वल टू 0 आंसर। अगला प्रश्न, साइन ए बराबर 3/4, साइन ए का मान दिया हुआ 3/4, इसका एक आसान तरीका हम लोग अभी समझने के लिए करेंगे। साइन थीटा होता है पी बाई एच, तो हम लोग
मान लेते हैं पी का मान 3 के, एच का मान 4 के, इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन आप लोग अगर पी का वैल्यू सीधे 3 लिखें, एच का वैल्यू 4 लिखें, तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। अब बी इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। मैं यहां फॉर्मूला लिख देता हूं, एच इज इक्वल टू, जब भी एच निकालना हो तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे, पी निकालना होगा तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी निकालना हो तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप याद कर लेंगे। अब बी एच स्क्वायर, एच हमारा 4 है, 4 स्क्वायर, और पी है 3। अंडर रूट 7, 7 का रूट नहीं निकलेगा। अब निकालना कॉस ए, कॉस थीटा बी बाई एच, बी का मान है रूट 7 और एच का मान क्या है हमारा 4। अगला निकालना टेन ए, चूंकि हमने पी एच बी तीनों का मान ज्ञात है, इसलिए हम लोग कॉस टेन से कोसे कुछ भी हम लोग अब निकाल सकते हैं। टेन ए पी बाई बी, पी का मान है 3 और बी का मान है रूट 7। ये दो हमारे अभिष्ट उत्तर हुए। थैंक यू।